हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मी की जॉब के फ़ायदे के बारे में। जो आर्मी में जॉब करते हैं उनको कितने बड़े फ़ायदे होते हैं और क्या क्या उनको फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, जॉब तो काफ़ी सारी होती है, काफ़ी सारे सेक्टरों में होती हैं और काफ़ी सारे विभाग होते हैं, पर हम जो आज बात करने वाले हैं वो आर्मी के फ़ायदों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। और अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। पहला दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आर्मी के 7 बड़े फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा काफ़ी सारे आर्मी के फ़ायदे होते हैं और काफ़ी जो है आपको पता भी होगा कि आर्मी में होने के आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या आप लाभ उठाते भी होंगे। तो दोस्तों, अगर इनमें से आपको कुछ पता था या पता है तो उसको आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो आपको नहीं पता है तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आर्मी के 7 बड़े फ़ायदे। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें हमें एक पेंशन मिल जाती है। दोस्तों, ये जो बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है आज के समय में, ये किसी भी सेक्टर में आपको पेंशन नहीं मिलेगी, और यहाँ पे आपको आर्मी में जॉब करने के ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और ये आपको यहाँ पे पेंशन मिल सकती है जो कि आपको 15 साल के बाद में, आपको रिटायरमेंट होने के बाद में, आपका ये काफ़ी सहारा देने वाली होती है। दूसरा जो इसका फ़ायदा होता है वो सीएसडी कैंटीन का होता है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाया था सीएसडी कैंटीन के ऊपर, जिसमें हमें कितना छूट होता है और कितना छूट हमें नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ से कैंटीन से आप कार ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, या आप शादी का कुछ भी सामान ले सकते हैं दोस्तों, पर ये फर्नीचर का आप सामान नहीं ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हम चलते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर मिलता है हमें एमएच का, मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल। ये दोस्तों, आपका जो नौकरी जब तक आप करते हैं तब तक तो आपको इसकी सुविधा मिलती ही है, और इसके बाद में आपको जो है रिटायरमेंट होने के बाद में आपका और आपके परिवार का, फादर का, बच्चों का, तो इसमें सभी का आपका ये फ़ायदा आपको मिल सकता है। क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा जो खर्चा है या सबसे ज़्यादा जो पैसा उठने वाला होता है तो वो दोस्तों इसी के ऊपर ही होता है। जो आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, तो ये आर्मी आपको फैसिलिटी रिटायरमेंट होने के बाद में देती है दोस्तों। हम लेके चलते हैं चौथे नंबर पर। नंबर 4 है आर्मी स्कूल के बारे में। तो दोस्तों, जो आज के टाइम में जो खर्चा होने वाला है सबसे ज़्यादा, वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी होने वाला है। तो दोस्तों, इसका खर्चा भी आर्मी ही उठाती है, और आर्मी स्कूल काफ़ी खुले हुए हैं, वहाँ पर आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एजुकेशन मानी जाती है। तो दोस्तों, ये आपको इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बात करूँगा आगे पांचवे फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों, पांचवा जो फ़ायदा होने वाला है वो होने वाला है टोल टैक्स कार्ड का। तो दोस्तों, अगर आप आर्मी में हैं तो आपको पता ही होगा कि टोल टैक्स कार्ड बनता है, अगर नहीं बनता तो प्लीज़ आप बनवा लीजिएगा। तो अगर आप कहीं भी अपनी फैमिली के साथ कार से अपनी जा रहे हैं, पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं, फोर व्हीलर से, तो दोस्तों आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, वो कार्ड दिखाइएगा और आपको वहाँ से छोड़ देगा। तो दोस्तों यही एक सबसे बड़ी बात है कि आर्मी में आप और काफ़ी फ़ायदों का जो है लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि टोल टैक्स है, ये कुछ इस तरह से हमारा टोल टैक्स कार्ड दिखाई देता है। तो दोस्तों, आगे मैं छठे फ़ायदे के बारे में बात करूँगा, वो है फ़्लाइट। अगर आप दोस्तों अपने फैमिली के साथ या अपने परिवार के साथ अगर आप कहीं जा रहे हैं या आप अकेले भी कहीं जा रहे हैं, तो आप फ्लाइट में आपका टिकट जो है काफ़ी सस्ता हो जाता है डिफेंस से, अगर आप टिकट फ्लाइट का बुक करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि देखो कितना हमें यहाँ पे आर्मी में होने का हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, हम सातवें फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो सातवां फ़ायदा होता है दोस्तों एक्समैन का कोटा। तो दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आप एक्समैन का कोटा भी दोस्तों उठा सकते हैं। तो रिटायरमेंट होने के बाद में दोस्तों, आपको पता ही होता है आर्मी को जो है कहीं भी जॉब मिल जाती है, एक्समैन का कोटा मिल जाता है। आप 15 साल जॉब करने के बाद में आप कहीं भी दूसरी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्समैन का फ़ायदा भी उठा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये ऐसी वीडियो कोई पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।